मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद सोहेल है। हम लोग आसिफ नगर सैयद अली गुड़े में रहते। बच्चा ईद के दिन आए घर को, आए पानी वानी नहाए करे, नमाज पढ़े, खाना वाना खाए करके घर से निकले। घर से निकले बाद में फिर नहीं आए। हम लोग नहीं आए तो हम लोग कहीं को नहीं आए बोल के बोले। फिर दो बार फोन आया हम लोगों को, 4,000 रुपये डालो बोल के फोन आया। वो दूसरे बच्चे कह रहे फोन, वो बच्चों का नहीं नाम नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, ऐसे जाया। तो हमने क्या बोले, मैं चाचू भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अब पैसे तो नहीं डाल सकते, तुम लोग कहाँ है बोलो, मैं ला के देती हूँ। अब मेरे को तो डालने नहीं आता बोल के मैं ऐसा बोली बच्चों को। बोले तो नहीं अम्मी तुम डालो, तुम डालो बोल के बोले तो नहीं बेटे, बच्चा ही फोन कर रहा था। नहीं अम्मी तुम डालो बोले तो नहीं है बाबा, तू कहाँ है बोलू। मैं बाबा को बोलती नहीं, मैं किसको भी नहीं बोलती, मैं आके देती हूँ बोल के मैं बच्चे को ऐसा बोली। बोले बाद में फिर वो फोन बंद हो गया। फिर हम लोग 4-5 को फिर फोन कर रहे, फोन बंद हो गया। और फिर उसके बाद में फिर दूसरे फोन से आया फोन, तो फिर फोन कर रहे ना तुम्हें डाले क्या अम्मी बोलते। बाबा वो फोन बंद हो गया ना, कैसा डालू मैं बोल के बोली। तुम ऐसा कहीं क्यों कर रहे बाबा, कहाँ है बोलो ना, कोई भी नहीं, हम लोग आके देते, तुम आपको कहीं को ऐसा कर रहे बोले। तो हमारा बच्चा बोला नको अम्मी परेशान नको, मैं खुद ही चाहता हूँ, 10 मिनट में आता हूँ, आके ले लेके जाता हूँ, मेरे को तुम दो। तो ठीक है ऐसा करो बोल के बोली मैं। बोले तो ठीक है बोल के बोला। 10 मिनट हुए आए भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर बाद में हम लोग क्या करे, इधर उधर पूरा फिरे जाके, गोलकुंडा गए, सब जगह गए हम लोग, कहीं बच्चे का पता नहीं चला। वो दीपक की अम्मी भी आए हम लोगों के साथ में। तो दीपक की अम्मी बोले वो जलपल्ली में वहाँ घर है मेरा, वहां भी जाएंगे बोल के बोले। तो हम लोग वहां पर भी गए, वहां पर भी गए तो वहां भी बच्चा हमारा नहीं मिला, हमको एक बच्चा गए हमारा। फिर बाद में पूरा फिर के हम लजलपल्ली हो गए, पूरा मेहदीपट्टनम, मेहदीपट्टनम के मसानगट्टी करने रहते बोल के ऑटो वाले बच्चे बोले। वहां पर पूरा फिरे करे, 3 बज रहे थे शायद, जब पुलिस वालों का फोन आया, दीपक की अम्मी का फोन आया। दीपक की अम्मी को पुलिस वाले फोन करे, तो दीपक की अम्मी हमारे भाई को फोन करे कि अपने बच्चे मिल गए कहते हैं, वो कुलसुमपुर PS में आ गए थे, वो लोग देर न को करो फौरी आओ बोल के बोले बोल के बोले बोले। तो हम लोग वहां गए, गए तो लगे, फिर पुलिस स्टेशन गए तो वहां क्या बोले, पुलिस स्टेशन का नहीं है इधर, वो KCR वो दिए नहीं उधर बिल्डिंग में, उधर है आओ बोल के बोले। उधर जाके फोन करे तो वहां बोले फिर के ऊपर 5th फ्लोर पे टेरिस पे आओ बोल के बोले। तो हमारे भाई क्या बोले, टेरिस पे कहीं को आना बोले तो नहीं नहीं तुम लोग ऊपर आओ बोल के बोले। ऊपर गए तक दीपक को मारा लगे हुए थे, हमारा बच्चा को पूरा मार दे के पूरा ऐसे पड़े हुआ था हमारा बच्चा, सांस चल रही थी खाली। इतना बोले क्या हुआ सोहेल बाबा बोले तो हाँ बोल के इतना बोला बस, हमारा बच्चा कुछ भी नहीं नहीं बताया, ये बच्चा नहीं बताया हमारे को, नहीं बताया बच्चा कई के बारे में है बोलो बोल के बोले तो भी नहीं बताया। और यहाँ तक ये भी बोली कोई चीज की परेशानी है क्या बाबा तुम्हारे को, कोई चीज परेशानी में तुम फंसे क्या, क्या है खुला खुला बोल दो मेरे को, मैं करती हूँ बोल के बोले तो भी हमारा बच्चा कुछ भी नहीं बोला। नहीं था कुछ भी शौक नहीं था हमारे बच्चे को ऐसा, कुछ भी नहीं नहीं रहता था हमारे बच्चे के जेब में। कितने बार या कांचों के गिलास करने था इधर ब्लू मून स्कूल के पास में, वहां पर काम करता था बच्चा हमारा, 7th तक पढ़ा हमारा बच्चा, 7th एक दिन जाता था एक दिन नहीं जाता था। कितनी थी बच्चे की उम्र? 15 साल की थी बच्चे की हमारी, 15 साल की उम्र थी। एक लुता एक बेटा था हमारे, 3 बेटियों पे एक बेटा, वही सहारा था हमारा। जो कुलसुमपुर में कमसिन लड़का सोहेल का जो कत्ल हुआ, उसके अंदर सोहेल को ना कोई पीने खाने का शौक नहीं था, बच्चा के स्टूडेंट था, तालीम तर करने के बाद क्लासेस का काम कर रहा था। उनके वालिद साहब एक मजबूर और गरीब इंसान है जिसको पॉलिश का अटैक हुआ, लेडीज टेलर है उनका एक लोता एक बेटा था 3 बेटियों में। तो ईद के दिन नमाज के बाद आके वालदा से दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा हूँ बोल के निकला, तो उसके बाद वापस नहीं आया। उसके बाद इनको फोन आता है कि जैसे गूगल पे पैसे डालो बोल के, बच्चे से फोन करने लगाए थे तो लोग बोले कि गूगल पे नहीं डाल सकते हम लोग। उसके बाद आके मिलेंगे बोले और ढूंढे करे, फिर आसिफ और PS में भी कंप्लेन करे, तो आसिफ और PS वाले बोले पहले बच्चे को ढूंढ लो उसके बाद आके कंप्लेन करो, 24 घंटे का टाइम रहता बोल के बोले। और जसना में जैसे फिर कुलसुमपुरा PA से फोन आया कि आपका बच्चा मिल गया बोल के, जाने के बाद में KCR के जो डबल बेडरूम मकान अलॉटमेंट हो रहे उसके टेरिस पे जैसे बच्चा पड़ा हुआ था, जब उसके साथ बुरी तरह से मारम पीटी करते उसके पैर की हड्डियां तोड़ दिए, फसली की हड्डियां तोड़ दिए, हाथों की हड्डियां तोड़ दिए, उसके पानी की जगह भी पेट्रोल पिलाया गया उसको। और इसके अंदर ये जो भी मारे वो गांजा पीने वाले और शराब नोशी करने वाले सारे खाएं पूरे वो।
और जो पुलिस जो बयान दे रही है वो इनसे गलत है कि बच्चे को पीने की आदत थी, बोल के ना गांजे का शौक था ना कुछ था बच्चे को, बच्चा जो सो कम उम्र 15 साल का बच्चा है वो, जिसकी वजह से घर वाले बहुत आखिरी परेशानी के आलम में हैं, जिसके घर पे बीती है वो तो चीज़ें उनको ही मालूम होती है, वाली साहब उनके जो सो टेलर है बेचारे मजबूर और बेबस है। तो हमारी अदमन जो सो कमिश्नर पुलिस और DGP से ख्वाहिश है कि इस मसले को जो सो संजीदगी के माहौल में सोचते हुए इनके हक में इंसाफ करें और सही तहकीकात करते हुए सही बयानबाजी करें, और ये लोगों को सजाए मौत देना चाहिए नहीं तो लाइफ करना चाहिए लोगों को, ताकि हैदराबाद में जो जराइम बढ़ते जा रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए इकदाम करना जरूरी है। तकरीबन बचपन से बचाता हूँ मैं, मुकामी है बच्चा, नेचर ठीक है बच्चे का, बच्चा रहने वाला यहीं का, हमारे सामने का बच्चा है छोटा, वाली साहब गाय पे बैठा के कभी मेरे घर के पास दुकान पे भी लेके आते थे छोटा सा बच्चा हो, जब से देख रहे हैं वाली साहब जो है उनसे नहीं है, उनके दुकान है, दुकान में से घर, घर से दुकान है। इससे भी अदबन ख्वाहिश है कि जो हैदराबाद में जो जराइम बढ़ रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए हमारे DGP साहब और कमिश्नर साहब सख्त इकदाम करना चाहिए, और शहर में गांजा पीने वालों की अक्सरियत बढ़ चुकी है, हर गली में, हर कब्रिस्तान पे, हर गली कुंजों में कसरत से गांजा नोशी हो रही। तो मैं अदावन ख्वाहिश करूँ कि कमिश्नर साहब जो नार्को टीम बनाए हुए हैं उसको ट्रांसपोर्ट के जरिए कुचलना चाहिए, और जो भी गांजा पीने वाले उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करते हुए उनको भी जेल को भेजना चाहिए, ताकि मसले को रोक सकता है और ऐसे होने वाले कत्ल व गारतगिरी का खात्मा हो सकता है। अंजनी कुमार से हमको पूरी पूरी उम्मीद है कि शायद इन्होंने ये चीज़ को जामे अमल पहनाएंगे।